जय हिंद दोस्तों, हम लोग 12.52 का पाँचवा सवाल देखेंगे। कह रहा है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी कि समचतुर्भुज की भुजा सभी बराबर होती है आपस में, और दो विकर्ण होते हैं जो असमान होते हैं, जिसमें बड़ा विकर्ण दे दिया 48 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा, हमने पहले लिख लिया थोड़ा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये चतुर्भुज हो गया, इसमें सभी भुजाएं 30 सेंटीमीटर है, और ये बड़ी भुजाएं, बीडी बड़ी भुजाएं ये कितनी है, ये 48 हैं, ये 48 हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब से विभाजित करता है। ठीक है, ये थ्योरम है, ये लंब से विभाजित करता है, और जब ये विभाजित करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे ओ लिख देते हैं, तो ये बी ओ बराबर ये हो जाएगा 48 का हो जाएगा 24 मीटर। ये हो गया 24 मीटर, ये भी हो गया 24 मीटर। तो चलिए हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में क्या है, वो कर्ण है, आधार है, लंब निकालना है। तो लिखेंगे पाइथा गोरस परमे से, तो क्या होगा, पता करो उसको लंब निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, होता है लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण है ए बी और आधार है ये ओ बी, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ है 30, आधार दिया हुआ है 24, आधार किस गोरे मूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 930 का होल स्क्वायर और 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा 576। इसको घटाएंगे तो ये होगा 324, और इसका 324 का वर्गमूल होता है 18, ये हो गया 18 मीटर। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्योंकि ये लंबाई ऊंचाई निकल गया और ये आधार निकल गया, तो क्या 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार दिया हुआ कितना 24 और ऊंचाई निकला अभी 18, काटेंगे 12 होगा, 12 गुने 18, 12 180, 12 दुनी 18 दुनी 36, 180 36 जोड़ेंगे, उसको गुना करने पर 216 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक चतुर्भुज का हमको निकल गया 216 मीटर स्क्वायर, एक समकोण त्रिभुज, इसी तरह समान चार समकोण त्रिभुज है, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुने एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 4 गुने 216, तो 216 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 गुने 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो प्रत्येक को यानी कि ये 18 गाय के चरने के लिए पर्याप्त है, कितने के लिए 18 गाय का, तो लिखेंगे 18 गाय को चरने के लिए पर्याप्त खेत का क्षेत्रफल है 864 मीटर स्क्वायर। तो एक गाय के लिए, प्रत्येक गाय मतलब एक गाय, तो एक गाय को चरने के लिए पर्याप्त खेत के भाग का क्षेत्रफल तो क्या होगा, 864/18, इसको काटेंगे 48 मीटर होगा। यानी कि एक गाय को चरने के लिए पर्याप्त खेत के भाग का क्षेत्रफल 48 मीटर होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।